वैशाली, नाम तो सुना ही होगा। वैशाली बिहार राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है। वैशाली जिले का जिला मुख्यालय हाजीपुर में स्थित होने के कारण इस जिले को हाजीपुर के नाम से भी जाना जाता है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट BR31 से शुरू हो तो समझ जाइए कि आप वैशाली जिले में एंट्री कर चुके हैं। ये वही वैशाली जिला है जहाँ का केला पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आप जब भी वैशाली जाएं तो वहाँ का केला खाना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही वैशाली जिला है जहाँ की पवित्र धरती पर भगवान बुद्ध का 3 बार आगमन हुआ और जहाँ की धरती पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह वैशाली जिले की ही देन है। यानी विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली जिले द्वारा ही दिया गया था। वैशाली जिले की बात चल ही रही है तो हम वैशाली जिले की सबसे बड़ी सिटी हाजीपुर को कैसे भूल सकते हैं। हाजीपुर पटना के बाद दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। हाजीपुर केले की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हाजीपुर और पटना की बात चल ही रही है तो हम दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु को कैसे छोड़ सकते हैं। यह पुल 5.75 किलोमीटर लंबा है और यह हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। तो चलिए हम भी इस वैशाली जिले की रोड कनेक्टिविटी का फायदा उठाते हैं और इन सड़कों से होते हुए वैशाली जिले के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानते हैं। अशोक स्तंभ। महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में लाल बलुआ पत्थर के एक टुकड़े से बने हुए 18.3 मीटर ऊंचे स्तंभ की स्थापना की। इस स्तंभ के ऊपर एक शेर की आकृति बनी हुई है। साथ ही यहां पर एक छोटा सा तालाब है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप शांति का प्रतीक माना जाता है। इस शांति स्तूप को जापान के निपोणजी समुदाय के द्वारा बनवाया गया है। अभिषेक पुष्करणी। 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य ने अभिषेक पुष्करणी सरोवर बनवाया था। वैशाली गणराज्य में नए शासक को इसी सरोवर में स्नान के बाद गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती थी। राजा विशाल का गढ़। वास्तव में यह छोटा टीला है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है जिसके चारों तरफ 43 मीटर चौड़ी खाई है। ऐसा माना जाता है कि यह पुराने जमाने की संसद है जिसमें सदस्य इकट्ठा होकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी करते थे। इसी कारण वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य भी माना जाता है। बौद्ध स्तूप। इस स्तूप का पता 1958 के खुदाई के बाद चला था। खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध का पार्थिव अवशेष मिलने से इस स्थान का महत्व काफी बढ़ गया। बौद्ध मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके पार्थिव अवशेष को 8 भागों में बांटा गया जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को मिला। कुंडग्राम। यह स्थान भगवान महावीर का जन्म स्थान होने के कारण काफी लोकप्रिय है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में इच्छुवांकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह स्थान जैन धर्म वालों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान महावीर के जन्म दिवस पर वैशाली महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में देश भर के संगीत और कला प्रेमी हिस्सा लेते हैं। महावीर जयंती इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखो यार, अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भगवान महावीर के बारे में ये सभी जानकारी जरूर याद रखना। वैशाली संग्रहालय। वैशाली संग्रहालय को वर्ष 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वैशाली के विभिन्न क्षेत्रों में खोजी गई पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। वैशाली संग्रहालय में वैशाली के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई के दौरान मिली हुई मूर्तियां, सिक्के तथा प्राचीन काल के शासन काल को प्रदर्शित करने वाली कई सारी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जिन्हें आप देखकर वैशाली के इतिहास और प्राचीन शासन के बारे में जान सकते हैं। चेचर श्वेतपुर। चेचर गांव पुरातात्विक धरोहरों से संपन्न गांव है। इसका पुराना नाम श्वेतपुर है। चेचर गांव में खुदाई के दौरान गुप्त एवं पाल वंश के शासन काल की मूर्तियां एवं सिक्के मिले हैं। भुइयां स्थान।
बाबा बसावन भुइयां स्थान मंदिर हाजीपुर के पानापुर लंगा गांव में स्थित है। यह मंदिर पूरे देश के पशु पालकों के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहां दूध चढ़ाने से और मन्नत मांगने से मवेशियों की पीड़ा दूर होती है। इस मंदिर की महिमा देश से लेकर विदेशों तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वैशाली जिले में अन्य धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। अन्य धार्मिक स्थलों में चौमुखी महादेव मंदिर, बावन पोखर मंदिर, हसनपुर काली मंदिर, बाबा गड़ीनाथ धर्मस्थली पलवैया धाम, कोनहारा घाट, नेपाली छावनी मंदिर, रामचौरा मंदिर, बूढ़ी माई का मंदिर, पातालेश्वर मंदिर हाजीपुर तथा जामी मस्जिद हाजीपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थल भी वैशाली जिले में मौजूद हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वैशाली कैसे पहुंचा जा सकता है। वैशाली तीन तरीकों से पहुंचा जा सकता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग, वैशाली एक सुविधाजनक सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जहां पर आप बिहार से ही नहीं देश के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंच सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से वैशाली के लिए नियमित रूप से बसें उपलब्ध हैं। रेल मार्ग, वैशाली में हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह वैशाली का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा गुवाहाटी जैसी शहरों से नियमित ट्रेनें चलती हैं। इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 70,000 यात्री सफर करते हैं। यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसका स्टेशन कोड HJP है। हवाई मार्ग, वैशाली में कोई हवाई अड्डा नहीं है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि वैशाली का निकटतम हवाई अड्डा है। अरे यार रुको जरा, सबर करो, क्योंकि वैशाली जिले की बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो चलिए अब हम वैशाली जिले की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वैशाली जिले की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वैशाली जिले का नाम महाभारत काल के एक राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। वैशाली जिले का इतिहास बहुत ही पुराना है। 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुए 16 महाजनपदों में वैशाली का एक महत्वपूर्ण स्थान था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहां का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाने लगा और गणतंत्र की स्थापना हुई। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ। मौर्य और गुप्त राजवंश में जब पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में विकसित हुआ तब वैशाली इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध ने वैशाली के पास कोल्हुआ में अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसकी याद में मौर्य सम्राट अशोक ने 3 शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। पूर्वी भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद वैशाली मिथिला के कर्नाट वंश के शासन के अधीन रहा। बाद में 1323 में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक का राज आया। इसी दौरान बंगाल के शासक हाजी इलियास शाह ने 1345 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक यहां शासन किया। 14वीं सदी के अंत में तिरहुट समेत पूरे उत्तरी बिहार का नियंत्रण जौनपुर के राजाओं के पास चला गया था। 18वीं सदी के दौरान अफगानों द्वारा तिरहुट कहलाने वाले इस प्रदेश पर कब्जा किया गया। आजादी के लड़ाई के दौरान 1920, 1925 तथा 1934 में महात्मा गांधी का वैशाली जिले में 3 बार आगमन हुआ। सन 1875 से लेकर 1972 तक यह जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता था। 12 अक्टूबर 1972 में वैशाली जिले को अलग स्वतंत्र जिला बना दिया गया। चलिए अब हम वैशाली जिले की जियोग्राफी के बारे में भी जानते हैं। वैशाली जिला उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर तथा पश्चिम में सारण जिला से घिरा है। गंगा नदी, गंडक नदी, बया नदी तथा नून नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। वैशाली जिले का कुल क्षेत्रफल 2036 स्क्वायर किलोमीटर है। वैशाली जिले में 3 सब डिविजन्स, 16 ब्लॉक्स, 290 ग्राम पंचायत तथा 1572 गाँव है। अपराध नियंत्रण के लिए वैशाली जिले में 22 थाना तथा 6 सुरक्षा चौकी की है। चलिए अब हम वैशाली जिले की डेमोग्राफी के बारे में जानते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार वैशाली जिले की कुल जनसंख्या 34,95,249 थी, जिसमें से 18,47,049 पुरुष हैं, जबकि 16,48,191 महिलाएं हैं। वैशाली जिला जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में 86वें स्थान पर है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 5,91,634 थी, जो वैशाली जिले की कुल जनसंख्या का 15.54% है। वैशाली जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 1717 पर स्क्वायर किलोमीटर है। वैशाली जिले की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 68.6% है। वैशाली जिले का सेक्स रेशियो यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 895 है, यानी वैशाली जिले में 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं हैं। वैशाली जिला सेक्स रेशियो के मामले में पूरे बिहार में 34वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के समय जिले की 69.88% आबादी अन्य हिंदी या भोजपुरी, 25.1% आबादी हिंदी तथा 4.8% आबादी उर्दू अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती थी। इस क्षेत्र की बोली बज्जिका है, जिसे विभिन्न प्रकार से मैथिली भाषा की बोली माना जाता है। चलिए अब हम वैशाली जिले की इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। वैशाली जिले की इकोनॉमी का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। यहाँ कृषि में कई उत्पाद शामिल हैं, जिसमें केला, धान, गेहूं, मक्का, दाल आदि शामिल है। वैशाली जिले में उद्योग बहुत ही कम है। इस जिले में कुछ ही मिले और कारखाने उपलब्ध हैं, जिसमें चीनी मिले अधिक पाई जाती है। वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वैशाली को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया। वर्तमान में वैशाली जिला BRGF यानी बैकवर्ड ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत पैसा प्राप्त कर रहा है। BRGF माने सिंपल भाषा में बोलू तो जैसे गवर्नमेंट गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर, राशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पैसे देती है, ठीक वैसे ही BRGF सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जिसमें उन जिलों को शामिल किया जाता है जो जिले पिछड़े, गरीब और इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड होते हैं। वर्तमान में BRGF प्रोग्राम में 27 राज्यों के 250 जिले शामिल हैं। BRGF प्रोग्राम के तहत इन जिलों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जिले के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है। अब इससे आप लोग वैशाली जिले की स्थिति और इकोनॉमी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब जब वैशाली जिले के बारे में सब कुछ जान ही लिया है, तो चलिए अब हम वैशाली जिले के कुछ फेमस लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से उन्हें कुल मिलाकर 16.5 साल से अधिक समय तक जेल की सजा काटनी पड़ी थी। उन्हें काले पानी की भी सजा दी गई थी। योगेंद्र शुक्ल वैशाली जिले के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। बसावन सिंह। बसावन सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के लिए समर्थन करने पर उन्हें ब्रिटिश सरकार की जेल में 18.5 साल बिताने पड़े थे। बसावन सिंह का जन्म जमालपुर में हुआ था। अक्षयवट राय। अक्षयवट राय बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म वैशाली जिले के बीदुपुर प्रखंड में हुआ था। ये नशाबंदी आंदोलन में सर्वप्रथम जेल गए थे। इन्हीं की याद में अक्षयवट राय महाविद्यालय महुआ और अक्षयवट राय स्टेडियम हाजीपुर बना है। इसके अलावा बीदुपुर स्टेशन का नाम बदलकर अक्षयवट राय स्टेशन रखा गया है। कविता राय। कविता राय एक पूर्व एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। इनका जन्म हाजीपुर वैशाली में हुआ था। प्रमोद भगत। प्रमोद भगत एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्तमान में वह पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 में पूरे विश्व में नंबर 2 स्थान पर हैं और उन्होंने मेंस सिंगल्स SL3 में 2020 समर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इनका जन्म हाजीपुर वैशाली में हुआ था। नीलाक्षी सिंह। नीलाक्षी सिंह एक समकालीन हिंदी लेखिका हैं। 2004 में उन्होंने साहित्य अकादमी गोल्डन जुबली अवार्ड, कलिंगा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 और वैली ऑफ अवार्ड्स अवार्ड 2022 जीता है। इनका जन्म हाजीपुर में हुआ था। दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री थे। दीप नारायण सिंह हाजीपुर वैशाली के रहने वाले थे। निखिल कुमार।
निखिल कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी, राजनेता तथा नागालैंड और केरल के राज्यपाल थे। निखिल कुमार का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी हमें जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप कौन सी जिला पर देखना चाहते हैं, और इस वीडियो में जो चीजें छूट गई हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।